नमस्ते। आज मैं आपको कक्षा चतुर्थ विषय सामाजिक विषय पाठ किताब का नाम है गौरवशाली भारत, पाठ आठ। सोमनाथ का लुटेरा। मैं आज आपको पाठ आठ सोमनाथ का लुटेरा के बारे में बताऊंगा। ये पिछले पाठ में हमने पढ़ा था सूर्य परमला के बारे में। मोहम्मद बिन काशिम कुत्ते की मौत मारा गया, उसके बाद हमारे देश में फिर एक गजनवी यानी जो गांधार प्रदेश था वहाँ के राजा थे अनकपाल तोमर। अनकपाल थे गांधार के राजा और वहीं से लगा हुआ था गजनी प्रदेश था। गजनी प्रदेश वहाँ का था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी महमूद गजनवी ने गांधार पर आक्रमण किया। तब ये अनकपाल ने जो राजा थे अनकपाल गांधार के, उन्होंने बुंदेलखंड के राजा विद्याधर चंदेल यानी जब ये महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था गांधार प्रदेश पर, और इसमें और भी राजाओं से कहा था आने के लिए, तब और राज्य के राजा नहीं आए। विद्याधर चंदेल वहाँ पर आ गए गांधार, और वह अपनी सेना को लेकर के आए और जो उनका सेनापति था कर्णदेव, जो अनकपाल थे राजा गांधार के, उनके सेनापति कर्णदेव सेनापति था, तो वह उन्हें जो विद्याधर चंदेल थे उन्हें बुला लिया था, तो उन्हें संयुक्त सैन्य बल का सेनापति बना दिया था। सेनापति यानी सेनापति कर्णदेव को हटा करके और इन्हें विद्याधर चंदेल को सेनापति बना दिया था। तो ये देशद्रोही हो गया था, कर्णदेव देशद्रोही हो गया। रहा तो साथ, लेकिन मन में उसके घुटन थी, और क्या मुझे सेनापति नहीं बनाया संयुक्त सैन्य बल का, तो ये नाराज हो गया था और देशद्रोही की भावना इसमें उत्पन्न हो गई। तब उसने जब आक्रमण करा था महमूद गजनवी ने, तो ये अनकपाल
यानी अनकपाल जो थे, अनकपाल हार गए यानी इनकी मृत्यु हो गई। तब उन्होंने जो महमूद गजनवी था उन्होंने फिर छोटे छोटे प्रदेशों को अपने उसमें मिला लिया था, किससे, अपनी तलवार के बल से, और उन्हें धर्म परिवर्तन भी करवाया था। फिर इसके बाद उसने सोमनाथ का लुटेरा, इसमें डालेंगे हम सोमनाथ का लुटेरा महमूद गजनवी। ये 1026 ईस्वी में, ये 1026 ईस्वी की बात है। उसने फिर आक्रमण किया सोमनाथ पर। जो सोमनाथ का मंदिर बहुत अच्छा था, ये गुजरात में है, समुद्र के तट पर, और उसने उस पर आक्रमण किया। तो वहाँ के राजा थे भीमदेव वहाँ के राजा थे। उन्होंने कायरता दिखाई और वहाँ पर जब देखा कि इसको, इसमें जो सोमनाथ का मंदिर था उसमें बहुत हीरे जवाहरात सोने चांदी के आभूषण से भरा हुआ था, तब उसकी दृष्टि सोमनाथ पड़ी तो और उसने आक्रमण करा और वहाँ पर 50,000 लोग एकत्र हुए, सभी 50,000 उस मंदिर में प्रांगण में सब आ गए। तब उसने महमूद गजनवी ने उसके परकोटे से किसी प्रकार से उसमें अंदर घुस गया और सबको मार दिया गया, और उसमें यानी इतना खून था, रक्त बहा हुआ कि कीचड़ में जैसे सन के आते हैं उस प्रकार से सनता हुआ वो बड़ा। और तभी वह, उसके बाद आता है, उसने विजय तो प्राप्त कर ली सोमनाथ पर, ले गया लूट के और गजनवी को भेजता गया। अब नंबर 2 पे आता है महमूद गजनवी का अत्याचार का बदला। अब है इसमें आगे महमूद गजनवी के अत्याचार का बदला। अब वहाँ पे उसने जो सोमनाथ का लूटा हुआ माल था वह गजनीत को ले जाया, ऊँटों के द्वारा जा रहा था। तब वहाँ पे अब बदला लेने की, जब वो वहाँ से मालवा में उसने बताया, उसके जो गुप्तचर थे वो मालवा की सेना रोके पड़े थे जो अपने देश के थे, तो उसने बताया और आक्रमण किए अपने देश के जो मालवा प्रदेश के थे उन्होंने। तब वह उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। तभी एक वीर वेश में एक बालक दिखाई दिया, वीर वेश में एक बालक। वह मंदिर के पुजारी का ही बेटा था। वह, उसने कहा कि आपको, आप प्यासे हैं, तो जब उसकी सेना रेगिस्तान से होती हुई जा रही थी तो वहाँ पर रेत ही रेत था, क्योंकि रेगिस्तान में तो रेती है, तो वह प्यासे व्याकुल थी उसकी सेना। उसने सोचा कि मालवा का रास्ता तो छोड़ दिया और रेगिस्तान से जाने का निर्णय लिया। तब उसकी सेना प्यास से त्राही त्राही हो लगी। फिर उसने
उस बालक ने कहा पानी का मैं बताता हूँ, और वह टोली की टोली बच्चा यानी जो बालक था वो इधर उधर भटकाता हुआ, वे उसके सैनिक मारे गए सब प्यास से, और उसके बाद उसने वह वो कह रहा था कि हम भारतवासी बदला लेना चाहते हैं, मैं भारत माँ का संतान हूँ और भारतवासी बदला लेना चाहते हैं। किस प्रकार से बदला लिया? इस प्रकार से वह है अपने देश के दर्शन भी नहीं कर पाया महमूद गजनवी, और सभी यहीं पे सब कुछ ख़त्म हो गया महमूद गजनवी का।